स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। अगर तेरी गलती नहीं है तो तू भागा क्यों वहां से? भागा क्यों वहां से बोल? अगर तू एक्सीडेंट का धंधा करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तेरे को इतना अच्छा आदमी समझा था, ऐसा क्यों किया तूने? चंदन को नहीं बचाया तूने? उसकी शादी के दिन तूने उसको फैक्ट्री बुलाया है क्यों? तू भी मेरा किसी को बताए? ऐसा कैसे कर सकता है तू? वो एक एक्सीडेंट था, मेरा यकीन करो प्लीज। बचना ना पाए। वरना ये लोग तुम्हें छोड़ने नहीं। जाओ भागो यहां से। अरे देखो भाग गया वो, चंदन का कातिल भाग गया। ऐसे कैसे भाग गया वो? पकड़ो उसे। चलो चलो, देखिए वो एक एक्सीडेंट था, उसमें कोई गलती नहीं। तेरे भाई का कातिल भाग गया। ए छोरा, खानपुर से बाहर नहीं जाना चाहिए, पकड़ो इसे, निकालो बैठ गया। एक घने जंगल में मेमना और उसकी माँ साथ में रहते थे। वो दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। फिर एक दिन जंगल में भेड़िया आया। भेड़िया काफी शातिर था, उसने भेड़ का शिकार किया। भेड़िया भेड़ की खाल पहन के उनके झुंड में रहने लगा। वो मेमने के साथ मिमियाता, उसके साथ खेलता। पंचघाटी की अंजलि सक्सेना लापता हुई है, मुजरिम अब तक फरार है। तेरे साथ जो भी हुआ ना अंजू, मैं पता लगा कर आऊंगी।
मम्मा तो उस भेड़ी ने सबको मार दिया। ऐसे कैसे मारेगा? मेमने की माँ पूरी दुर्गा माँ है। मैं अपनी दोस्त के गुनेगार को पकड़ कर ही रहूंगी। क्या आप मेरा साथ दोगे? हवाओं में खुला है इश्क, पर उसमें है एक अजब सा रिस्क। कह दूं तुम्हें, इस सोमवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आदि सेफ है ना? तूने अभी कहा ना, पंडित जी ने बताया कि आलिया उसकी ढाल बनेगी, सर मुश्किल से बचाएगी, तो मेरा बेटा सेफ है ना? श्रमण, उन्होंने ये बोला, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा ना कि आदि पे कोई मुसीबत आने वाली है। अरे यार, जब आलिया उसके साथ है, उसकी लकी मैस्कॉट है, उसकी ढाल है, तो फिर मुसीबत कैसे आएगी आदि पे? यार आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं समझती हूँ कि आलिया उसके लिए लकी है, लेकिन फिर भी रमन, उस पे अगर कोई मुश्किल आने वाली है तो ये तो बड़ी बात हुई ना, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। अरे प्रॉब्लम पे आने तो दे। एक्चुअली मालूम है क्या है, मैं नोटिस किया कि हम पंजाबी मुंडों के लिए ना तो मद्रास में बहुत सही, जैसे मुझे मेरी लकी मैस्कॉट मिल गई, आदि को उसकी मिल जाएगी, तो प्रॉब्लम कहाँ है? पर मुझे सुकून नहीं मिल रहा है ये बातें सुन के रमन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे मेरी माँ बेकार का टेंशन क्यों ले रही है यार? मैं आदि से एक बार बात कर लेती हूँ, मुझे सुकून मिल जाएगा। अरे तेरा बेटे का प्रोजेक्ट आखिरी दिन है, क्यों उसे परेशान कर रही है यार? रमन एक बार बात कर लूँ, मुझे अच्छा लगेगा। अरे यार तुझे, भैया जी आपको यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। भैया जी आप समझ क्यों नहीं रहे? भैया जी आप घर क्यों वापस आ गए? कल ही बस मैं कुछ अपने जरूरी पेपर्स लेने आऊँ, मेरे को पासपोर्ट नहीं। भैया जी आप समझते नहीं। भैया जी आप जाओ यहाँ से। भैया जी क्या कर रहे हो आप? भैया जी जल्दी करो आप। भैया जी की आप क्यों रुके हुए हो? जाओ। फिर बता दिया उनको, वो परेशान हो जाएंगे। हाँ आदि कैसे हो? काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? डिलीवरी कल की है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा वो तुम्हारा जो वर्कर है चंदन, उसकी शादी में जा रहे हो? हमारी तरफ से बेस्ट विशेस देना, ठीक है? हाँ हाँ मॉम सब ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे जाना है, बाय। क्या हुआ, ठीक है तुम्हारा बेटा? मैं ठीक तो है, बोल रहा है ऐसा, लेकिन उसने मुझे मॉम बोला, वो बहुत जल्दी में था। अरे तो बाबा तुझे डैड बोलता तो तकलीफ होती ना? अरे शिमा बोलता है वो मुझे हमेशा मॉम। अरे माँ हो या मॉम हो, बात तो एक ही है ना, तू पागल हो गई है क्या? बात का पता कर क्यों बना रही है? उसकी आवाज भी बदली बदली सी थी। तो क्या गाना गवाया उससे अभी? आप समझ नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है कि कोई बात है जो उसने मुझे नहीं बताई है। वो मुसीबत में हो अगर तो? नहीं यार होती तो बता देता ना यार। मेरे हमारा बेटा है, हम एक बार चले उसके पास प्लीज, अगर कोई मुसीबत होगी तो हम होंगे ना वहाँ पे। अरे तभी तो बोल रहा, हमारा बेटा है, गूंगा नहीं है, बोल देगा मुसीबत होगी तो। छुपा भी तो सकता है रमन, प्लीज एक बार चले उसके पास, क्या काम है हमारे पास यहाँ, आपका ऑफिस भी मैनेज हो जाएगा, प्लीज। अरे वहाँ किसी की शादी में गया है वो तो। चल यार कर लेता चले। भैया जी आप शहर के चौपाल के पास पुरानी वाली हवेली में जाकर छुप जाओ। कहाँ है वो छोरा? कहाँ छुपा है वो? मैं बोलता क्यों नहीं, कहाँ पे है वो? नहीं नहीं है, नहीं है भैया जी, नहीं है। अरे देखो पीछे वाले रास्ते पे देखो, कहाँ गया वो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा भैया जी? हाँ तो तू गया भाई, कोई ना है। फिर बोल कहाँ पे है वो, वरना आज तू भी मरेगा। काश मैं पापा और ऋषिमा को सब कुछ सच सच बता देता, क्या करूं, कैसे निकलूं मैं यहां से? काश मैं ऋषिमा और पापा को सब कुछ सच सच बता देता, भैया जी वहां भी ना आए वो। हमारे भाई को मार के भाग गया, वैसे तो बड़ा आया था हमारी भलाई करने वाला। सच्ची कहते हैं ये शहरी लोग किसी के सगे ना होते। गुने के बच्चे ने गलत बता दिया, पर अब तक तो धर नहीं होता उसने। भाग के कटे जाएगा भाई जी, कानपुर से बाहर नहीं निकलने देंगे छोरे को, ने चारों तरफ से सारे रास्ते बंद कर दिए। भागना भी नहीं चाहिए, आप सब लोग ये मत भूलिए कि उसने आपके भाई जैसे दोस्त को मारा है। चल चल इधर लगन भाई, सब बोल दिया इसने, वो छोरा कहाँ मिलेगा?
ठीक है ना? यही पर है। छोरा बच्चे जाना नहीं चाहिए, फैल जाओ सारे के सारे, और तू चल मेरे साथ। अगर तेरी गलती नहीं है तो तू भागे क्यों वहां से? भागे क्यों वहां से बोल? तू एक्सीडेंट है, तुम क्या करो? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तेरे को इतना अच्छा आदमी समझा था, ऐसा क्यों किया तूने? चंदन को नहीं बचाया तूने? उसकी शादी के दिन तूने उसको फैक्ट्री बुलाया है क्यों? तू भी मेरा किसी को बताए? ऐसा कैसे कर सकता है तू? वो एक एक्सीडेंट था, मेरा यकीन करो प्लीज। बचना ना पाए स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।